The role of Lobbies and Non-State Actors Actually when we want to talk about the role of Lobbies and the Non-State Actors that basically these are the groups within the institutions. Sometimes the non-state actors or sometimes the Lobbies they are the non-institutional structures and specifically in context of government ये वो ग्रुप्स होते हैं दोज हैव सम कॉमन इंटरेस्ट एंड दे ट्राई टू परस्यू दोज कॉमन इंटरेस्ट कई दफ़ा किसी किसी मुल्क के अंदर लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं और दे दे कैन प्रेशराइज इवन द गवर्नमेंट एंड इन सम केसेस द नॉन स्टेट एक्टर्स दे बिकम सो पावरफुल दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सो द presence of such groups actually beautifies and adds to the representative character of democracies traditionally to yahi ek concept hai ki jahan jahan bhi lobbies maujood hoti hain and pressure tactics ke taur par ye government ke un faislon ko influence करते हैं जिनका direct जो relationship होता है वो लोगों के साथ होता है यानी at the time of budget traditionally जो लॉबीज़ होती थी ये देखती थी कि तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है हकूमत जो है वो ज़्यादा महंगाई की तरफ तो नहीं जा रही है उसका कंट्रोल कैसा है सम टाइम्स लॉबीज़ दे ट्राई टू प्रेशराइज द शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकिंग इन द गवर्नमेंट एंड सम टाइम्स दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑब्जेक्टिवस तो ट्रेडिशनली हमने देखा कि स्पेसिफिकली इन द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ जो लॉबीज़ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग थीं और बाकायदा ऐसे ग्रुप के तौर पर काम करती थी जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती थी लेकिन फिर हमने ये भी देखा है कि समटाइम्स जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं दे ट्राई टू परसू देयर ओन इंटरेस्ट यानी अगर ये इंटरेस्ट जो है ये आवाम के लिए हो तो ये पॉजिटिव है बट इफ़ नॉन-स्टेट ग्रुप्स और एक्टर्स दे ट्राई टू परसू एंड प्रेशराइज़ द गवर्नमेंट्स फॉर देयर ओन इंटरेस्ट यानी किसी खास स्पेसिफिक ग्रुप के इंटरेस्ट को अगर परसू किया जाएगा तो ये फिर नेगेटिव एक टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल होता है स्पेसिफिकली इन दजस्लेटिव ऑर्गेनाइजेश समटाइम्स दिज ग्रुप बिकम मोर एक्टिव अगर किसी मुल्क के अंदर किसी ख़ास पहचान की बुनियाद पर कोई नॉन स्टेट एक्टर या उसका ग्रुप जो है वो लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस करने की एफर्ट करे या इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए कि हुकूमत जो भी फ़ैसले करे उसमें इन ग्रुप्स के मफादा का ख्याल रखा जाएगा इन कंपैरिजन विद द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट यानी ये देखने की बात है और यहाँ ये बात समझने की है कि क्या लॉबीज या नॉन स्टेट एक्टर टू होम दे आर रिप्रेजेंटिंग, वेदर दे आर रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन और वेदर जस्ट दे आर ट्राइंग टू परस्यू द इंटरेस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन आइडेंटिटी ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और इस डिबेट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आजकल पूरी दुनिया में लॉबीज़ के रोल पर बात होती है और नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल को भी मेयर करने के लिए डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो की भी जाती हैं और फिर उनको एवेलुएट भी किया जाता है ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि जो लॉ मेकर्स हैं उनका उनको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है फिर इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशरी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो वेरियस कंपोनेंट्स है जहाँ जहाँ भी पॉलिसी मेकिंग है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है या एजेंडा सेटिंग है वहाँ पर कौन सी लॉबी स्ट्रॉन्ग है वो लॉबी किस इंटरेस्ट को प्रसू कर रही है क्या वो इंटरेस्ट जो प्रसू किया जा रहा है वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप की फेवर में तो नहीं है यानी ये बहुत सारे ऐसे सवालत हैं जो जब हम रोल ऑफ लॉबी और नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल को इवेलुएट करते हैं स्पेसिफिकली विद रिगार्डिंग ऑफ अस् परफॉर्मेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी हकूमत पर ये कैसे असरअंदाज होते हैं उसके लिए ये कौन से टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और किन एक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने की एफर्ट करते हैं यकीनन ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर लॉबी जो है वो नेचुरल है अगर लॉबी अपना ऐसा रोल परफॉर्म कर रही है कि वो रिप्रेजेंट कर रही है अगर किसी ख़ास ग्रुप को भी और उस ग्रुप के इंट्रस्ट को परसू किया जा रहा है लेकिन उसका नुकसान किसी दूसरे को नहीं हो रहा और इन द लॉन्ग रन दैट पॉलिसी मेकिंग कैन बी बेनिफिशियल फॉर द स्टेट देन इट इज़ फाइन दैन इट इज़ परफॉर्मिंग द ड्यूटी लेकिन अगर लॉबिंग के अंदर और कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स किसी सर्टन आस्पेक्ट में एक्टिव हैं और वो अपने किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं देन इट इज़ बिकमिंग अ नेगेटिव रोल